नेक्स्ट जो है पीएचपी MySQL में हम देखेंगे कि डेटा को अगर हमने अपडेट करना है, जो हमारे टेबल में डेटा एग्जिस्ट कर रहा है उसको हमने अगर अपडेट करना है उसकी किसी वैल्यू को, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो क्यूरी हम लिखेंगे उसके उसमें मैंने अपडेट की कमांड मैंने सेंड करनी है, अपडेट एम्प्लॉय, यानी कि अपडेट के बाद जो मैं बताऊँगी वो है मेरे पास टेबल नेम, अपडेट एम्प्लॉय सेट। सेट करने हैं लास्ट नेम को, लास्ट नेम की मैंने वैल्यू बता दी, यानी कि जिस मैंने कॉलम को मैंने उसको अपडेट करना है वो मैंने कॉलम नेम बता देना है। वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1, वेयर जो है वेयर क्लॉज जो है वो यूज़ करना है कंडीशन के लिए, वेयर क्लॉज को यूज़ करेंगे और बताएंगे जिसकी आईडी मेरे पास 1 है, यानी कि जिस डेटाबेस में जो टेबल है जिसकी आईडी 1 है उसमें लास्ट नेम को अपडेट करके उसकी वैल्यू अपडेट कर दो। अब इसमें नेक्स्ट हमने इफ MySQLi क्यूरी, जिसमें कनेक्शन और SQL के जो मेरे पास वेरिएबल है इसको पास किया है कि अगर ये मेरे पास ट्रू आ जाता है तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, एल्स रिकॉर्ड में जो एरर है वो शो हो जाएगा और कनेक्शन मेरा क्लोज हो जाएगा। सो मेरे पास अभी जो था नेम वो जो था वो जेब आ रहा था, इसको अपडेट करती हूँ। अपडेट डेटा डॉट पी एच पी, तो मेरे पास रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। इसको चेक करते हैं लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमिन डेटा बेस में जाके, तो मेरे पास जो उसका लास्ट नेम का जो वैल्यू है वो अपडेट हो चुकी है। सो इस तरह हम जो है अपडेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस को यूजिंग PHP स्क्रिप्ट।